नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। जैसा कि मैं हर बार आपके सामने जब भी चैनल के स्क्रीन पर आता हूं तो एक नया विषय लेकर आपके सामने मौजूद होता हूं। आज भी मैं एक नया विषय लेकर आया हूं। महाराष्ट्र राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री जो राजकुमार बडोले हुआ करते थे, आज हम उनके विषय पर चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के सामने। पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले, इन्होंने सामाजिक न्याय विभाग का 2014 में पदभार संभाला और उसी के पदभार संभालते दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि महाराष्ट्र सरकार की थी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इन्होंने शिक्षा के दौर में लंदन का वह निवास स्थान जो कि महाराष्ट्र सरकार ने खरीदने का सबसे बड़ी उपलब्धि दिखाई, जिसके चलते दलित वर्ग में यह उपलब्धि किसी शिखर पर चढ़ने के जैसी बड़ी उपलब्धि या कामयाबी कहलाई जा रही थी। यह कामयाबी मंत्री महोदय बडोले के इनके प्रयासों से ही सफल और सार्थक हो पाई थी। ठीक इसी प्रकार 2015 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पूरे राज्य में बड़े जोर शोर से मनाई गई और यह जयंती 125वीं जो जयंती थी यह पूरे राज्य में मनाई गई थी और जिसका श्रेय केवल और केवल राजकुमार बडोले जो कि सामाजिक न्याय विभाग के महाराष्ट्र राज्य के मंत्री, इनके प्रयासों को सफलता हासिल की गई थी। और एक इनकी बड़ी कामयाबी जो कि मुंबई स्थित चैत्य भूमि के निकट इंदू मिल की जमीन पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक निर्माण भी दलित वर्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया। आखिर क्या वजह थी? विधानसभा के आगामी चुनाव लगभग 2.5 माह ही शेष बचे हैं, ऐसे में इनकी पदोन्नति करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने इनके कद को आखिर क्यों कम किया? यह विषय चर्चा का और खोज का विषय था। जब हमारी टीम इनके मंत्रालय के कामकाज को खंगालने की बजाय जब इनके क्षेत्र के यानी 63 विधानसभा के गांव में पहुंची तो क्या चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हाल ही में पिछले दिनों में मंत्री महोदय का 17 जुलाई 2019 को नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान के निकट कृषि उपज मंडी के सभास्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आप देख रहे हैं कि मीटिंग स्थल जो कि पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार बडोले महोदय के उपस्थिति में मौजूद है। ऐसे कार्यक्रम में दर्शक देख पा रहे हैं भीड़ नदारद थी। हमने सोचा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री एवं भंडारा जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और राज्य के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री एवं गोंदिया जिले के पूर्व पालक मंत्री दोनों के नेतृत्व में गोंदिया भंडारा लोकसभा का उपचुनाव हाल ही में लड़ा गया था, जिसमें उनका भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मतों से हार चुका था। आखिर यह हार क्यों हुई? परिस्थितियां वास्तविकता से भिन्न होती है, क्योंकि जब इनके क्षेत्र के कुछ गांवों में हमारी टीम पहुंची तो मंत्री महोदय के निष्क्रियता के प्रमाण मंत्री महोदय के ही झोली में आए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं मंत्री महोदय के क्षेत्र के गांव वाले। आपने जो यहाँ के जो मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के जो राजकुमार बडोले जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं सामाजिक न्याय विभाग के, उनके कामों से आप खुश है कि ना खुश है? आज तक तो खुश है। अच्छा, तो आप उनको वापस चुन के देना चाहेंगे कि आप कोई दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? नहीं, कोई होएगा तो दूसरा देंगे। अच्छा, दूसरे को आप यानी दूसरे को चांस देने के इसमें है आप? हाँ। आपको क्या लगता है कि राजकुमार बडोले यह काफी अच्छे आपके चुने हुए उम्मीदवार है कि नहीं है? नहीं, वैसा तो खराब नहीं है, लेकिन जो उनने कुछ भी सुविधा नहीं लाई अभी तक, यानी उनके तरफ से कुछ भी काम नहीं आया इस एरिया में। अच्छा, यानी योजनाएं आप तक पहुंचाने में वो असफल रहे? यानी कुछ भी योजना नहीं है उनकी इधर, कोई भी योजना नहीं। हाँ, तो इधर जो अभी 10 साल से हुए आए ना उन लोग बडोले जी, तो उनने आज तक कुछ भी नहीं किए। अच्छा। हाँ, ये एरिया में कुछ काम वगैरह कुछ भी नहीं, जो हैंडीकैप वाले के लिए कुछ योजना नहीं निकाले उनने। अच्छा। हाँ, वो कौन सा कार्य नहीं किए,
अब हैंडीकैप वाले को मकान होना, संडास होना, सारी सुविधा होना ना, वो उन्हें आज तक दिए नहीं है। वो आता है नहीं आता है योजना हमको मालूम नहीं है, पर वो उन्हें आकर कुछ भी केच नहीं उधर हमारे इधर। वो जब पहले विधायक हुआ करते थे तभी भी नहीं उनने कुछ किया और अभी भी नहीं किए उनने। मंत्री रहते भी नहीं कुछ नहीं नहीं कुछ भी नहीं किए गाँव के लिए, कुछ भी नहीं किए उनने। पूर्व जो मंत्री हुआ करते थे अपने विधायक जो है राजकुमार बड़ोले जी, हाँ, उनका कार्यकाल पर थोड़ा आप बताएंगे कि आपके यहाँ योजनाएं वगैरह पहुंची या नहीं पहुंची है? हमारे ओबीसी में योजना कुछ नहीं मिली। बताइए राजकुमार बड़ोले जी का जो कार्यकाल रहा मंत्री का, उनका जो 5 साल का, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा है ना? अच्छा है। आपके यहाँ क्या क्या योजनाएं आ चुकी है उनके माध्यम से? घर को लागे ना। बताइए आपकी क्या इस गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या था का रोड़ा दिता था, समझ तो माल दिशा था। हाँ, रास्ते तो काफी खराब है। उसके बाद वो सोसाइटी में धान दिया, अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ। अच्छा, सोसाइटी में आपको धान दिया? हाँ। पैसा नहीं मिला अभी तक। अच्छा, पीने के पानी की समस्या की, एक दिन मिलता है, दो दिन नहीं मिलता। हाँ, बिजली भी 8-8 दिन नहीं रहते, 2-2 दिन नहीं रहते। बोलिए क्या क्या समस्या? समस्या तो बहुत है यहाँ के खासदार है ना, तो जब चुनाव थे तब आए थे, उसके बाद में तो वो दिखे ही नहीं है इधर। हाँ, तब से वो दिखे ही नहीं। अभी चुनाव आएंगे, अभी वो आएंगे उनके दौरे। ऐसा ही कुछ नजारा और हमें आगे गांवों में देखने को मिला, जिसमें हमारे खुद रोंगटे खड़े हो गए थे। यह जो कार्यकर्ता है जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है जो कि मंत्री महोदय के निष्क्रियता के प्रमाण खुद दे रहे हैं। क्या नाम है? मेरा विजय नाम है, विजय। अच्छा, कुल्ली। आप येलोड़ी गांव के रहने वाले? हाँ। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में राजकुमार बड़ोले जो कि अपने महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं सामाजिक न्याय विभाग के, तो इनके जो 10 वर्षों का जो कार्यकाल है जिसमें 5 वर्षों का उनका भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में 5 साल गए और अभी उनके मंत्री महोदय के तौर पर कार्यकाल जो रहा, इसमें आपके गाँव में क्या क्या योजना आई और क्या क्या विकास हुआ? हमारे गाँव में तो विकास ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ बीच बीच में घर कुल मिल गए। अच्छा, और बाकी तो पहले का ही जो विकास है, रोड है, बोर के लिए पानी वानी है, वो उसके पहले के थे। अच्छा, अभी उसमें कार्यकाल में तो नया कोई आया ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयंत कोल्ले, जयंत महादेव कोल्ले। कहाँ रहते आप? मैं येलोड़ी में रहता हूँ। पिछले जो 10 सालों से अपने आपके मोरगा ओरजनी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, राजकुमार बड़ोले जी, हाँ, इन्होंने आपके अपने क्षेत्र में विकास किया कि नहीं किया, क्या लगता है आपको? नहीं, ये क्षेत्र में तो विकास नहीं किया उन्होंने। अच्छा। कोई विकास नहीं इधर, ना घरकुल मिला, ना लोगों को रोजगार मिला, ना रोजगार हमी का काम मिला। अभी 1 साल हो गए, पूरा नीलच है यहाँ पे, रोजगार हमी वगैरह का काम कुछ भी नहीं मिला यहाँ। अच्छा, पानी की समस्या इस गाँव में? इस गाँव में पानी की समस्या है ना यार, ये जो कैनल है क्या जासनगर उपसा सिंचन, ये अभी करीब करीब 25 साल हो गए वो बनी, तो फिर भी उसका वो खेती को कोई फायदा नहीं मिला। दो गांवों की तरह ही यह तीसरा गांव है जो कि इनके विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव छोर पर है। मुरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र 63 जो है इसका यह अंतिम छोर गांव है शायद आपका। आपके गांव का क्या नाम है? रामपुरी गांव है। यह गांव शायद मुरगा अर्जुनी तालुका में ही आता है। हाँ, है ना? आपका क्या नाम है? तेजराम किशन कापगते। अच्छा, कापगते जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से खड़े हुए थे राजकुमार बड़ोले जी और वो इस विधानसभा के विधायक बने। हाँ। और पिछली बार 2014 में वापिस वो चुनाव लड़े और फिर वो मिनिस्टर बने, जो सामाजिक न्याय विभाग की ओर से वो मिनिस्टर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। हाँ। तो उन्होंने आपके गांव में क्या क्या योजनाएं लाई है और क्या क्या आपके गांव का विकास करने में उन्होंने मदद की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे गांव में खाली ये रोड हुआ है, नहीं तो हमारे गांव को भी बड़ोले साहब ने दत्तक लिए थे, तो आज तक के हमने कभी बड़ोले साहब को यहाँ रामपुरी गाँव में आते हुए नहीं देखे। अच्छा, यानी हमारे गांव का कोई विकास हुआ नहीं है बड़ोले साहब के हिसाब से।
तो जो योजनाएं आपके गांव में जो चल रही है, ये पुरानी योजना है कि अभी नई वाली कोई योजना है? अभी नई है क्या, पुरानी है इतना तो मालूम नहीं है। अच्छा, पीने का पानी बराबर मिलता है आपके गांव में? पीने का पानी नल योजना जो है झांसी नगर लिफ्ट का, तो उसका तो पानी दो दिन आता है, आठ आठ दिन आता ही नहीं। अच्छा, और बिल तो बराबर ही ले रहे। बिजली की समस्या क्या है आपके गांव में? बिजली की समस्या ये क्या, बिजली चार घंटे के लिए आती है, दो घंटे के लिए गायब हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपके गांव में रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हैं? रोजगार तो इस साल मिला ही नहीं सर कुछ। महाराष्ट्र महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है, रोजगार हमी योजना, उसका कोई रोजगार मिला ही नहीं? मिला इस साल तो कुछ हुआ ही मिला ही नहीं, यानी सारे लोग बेरोजगार ही रहे इस बार। हाँ, ग्राम पंचायत सरपंच को पूछने जाओ तो सरपंच बोलता है कि 5 लाख का है, तो तीन गढ़ ग्राम पंचायत है हमारी, एलोडी जामड़ी और रामपुरी, रामपुरी के नाम से, फिर भी 5 लाख में कुछ होता है नहीं, 3 दिन का पेमेंट है 5 लाख। अच्छा, तो उनको बोलने जाओ तो वो बोलते हैं क्या 5 लाख में क्या करेंगे, 3 दिन का काम देंगे क्या तुमको, तो फिर वो पैसा वापस आने ग्राम पंचायत के पास जमा आएगा? ग्राम पंचायत में जमा है क्या, वापस भेजिए, तो इस साल क्या काम हुआ ही नहीं, रोजगार हमी के कोई भी काम हुआ ही नहीं इस साल। हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे पिछले 10 वर्षों में किन गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जो कि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में वो गाँव मौजूद है। और आज भी कई गाँव ऐसे है जहाँ स्कूली बच्चे 10 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। कई गांवों में आज तक के इनके बस सेवा नहीं पहुंच पाई है। राज्य के पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले विधानसभा क्षेत्र के गांवों में आज भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। बने रहिए दर्शकों, MNS न्यूज़ लाइव के साथ।